ऐसा असंवेदनशील व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री है तो हमें शर्म आती है। ए के मिश्रा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट चुके। मिश्रा जी, विपक्ष शराय साहब असंवेदनशील थे, शुरुआत के 1.5 घंटे मणिपुर पर क्यों नहीं बोले? और मणिपुर पर बोल रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, ये 3-4 आरोप है प्राइम मिनिस्टर पर। देखिए, एक कहावत है, नाच न आवे आगन टेढ़ा। और हमारे जैसे सेकुलर जो विचारधारा वाले लोग हैं, मैं अपने आप को सेकुलर मानता हूँ, इतना निराश करती है विपक्ष। हम विपक्ष के सहारे हैं। राहुल गांधी जी 3 महीने के निष्कासन के बाद सदन में जब इनकी वापसी हुई तो हमने सोचा था कि 1 दिन के भीतर ये बीजेपी की सरकार गिरा देंगे, अगले दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी रेल मंत्री बनेगी, केजरीवाल जी जो है वित्त मंत्रालय संभालेंगे और हम भी गुलाब का गुलदस्ता लेकर के बधाई देने के लिए पहुंचेंगे, हमारे सपने साकार होंगे, 150 करोड़ भारतीयों के सपने साकार होंगे। ये कुछ नहीं कर पाए सर। 10 मिनट ये युद्ध का जब अंतिम निर्णायक मोड़ आया तो इनके नेता 10 मिनट के बाद ही भाग के खड़े हुए। ऐसा लग रहा था सारे गुनाह करके वो आए हैं, चेहरा नहीं दिखाने। आपने कभी किसी शेर को फ्लाइंग किस देते हुए देखा है? ये 8वां अजूबा भारत के संसद भवन में दिखा, आप ये मान के चलिए। इसके पहले तक शेर आंख मारता था, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। अरे ये बोलो भेड़िया आया भेड़िया आया। आप बहस नहीं कर सकते हो, 10 मिनट रुक नहीं सकते हो। देखिए एंकर महोदय, मैं बताऊं, ये एक पॉलिटिकल हिस्टीरिया है विपक्ष को, कांग्रेस को, रह रह के इनको दिमागी झटके पड़ते हैं। अरे बीजेपी सरकार गिर गई, अरे कांग्रेस। आ रहा हूँ मिश्रा जी, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, एक बार अनिल यादव जी को जोड़ते हैं। आ रहा हूँ मिश्रा जी।